मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने नरसिंहपुर जिले में हल्ला बोल दिया है। बुधवार को सड़क पर उतरकर युवा कांग्रेस ने करेली तहसील में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल बीते दिनों नीमच जिले में एक आदिवासी को गाड़ी से बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। बुधवार को नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील में भी युवा कांग्रेस ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर आ गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के दो पुतले भी दहन किए। इसमें युवा कांग्रेस के द्वारा पहले पुतला दहन को पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दूसरा पुतला दहन कर दिया। इस बीच पुतला दहन करते समय पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भारी मशक्कत हुई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड का भी उपयोग किया गया। उद्देश्य यह था, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों को जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज युवक कांग्रेस ने इस पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें हम सारे वरिष्ठ लोग, कांग्रेस नगर सेक्टर सारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए और इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, जब से आदिवासियों हरिजनों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, इसका पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हो या और भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि इनके द्वारा जब से सरकार आई है मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार हम देखें। केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा भी आज गैस के जो दाम है वो 900 रुपये करीब कर दिए हैं। तेल के दाम जो खाने के हैं वो 2014 में 80 रुपया हुआ करते थे, आज 200 रुपया है। ऐसे लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रही है और लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ ये तो अब निरंतर चलते रहेंगे इस तरह के। आज के युवा कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, एक शिवराज सिंह को ऐना दिखाया गया है कि जैसे शिवराज सिंह दो मुही रवैया चला के अपना काम चला रहा है, एक तरफ आदिवासियों के हितेशी बन के आदिवासियों के सम्मेलन करवाने जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे युवा साथी जो आदिवासी थे उनको घर से निकाल के घसीट के उज्जैन रतलाम में जो बे इंतहा मारा है, नीमच के अंदर जो घटना घटित हुई है, एक तरफ युवाओं को रोजगार देने की तो कोई क्षमता है नहीं और महंगाई है तो दिनों दिन जो बढ़ती जा रही है, तो युवक कांग्रेस के साथ वरिष्ठ कांग्रेस ने पूरा सहयोग कर और युवक कांग्रेस के लिए आंदोलन के लिए आकर्षित करके और ये प्रोग्राम करवा गया है। और अगर सरकार इसी तरह से ये रवैया अपनाती रहे तो यूथ कांग्रेस के साथ वरिष्ठ कांग्रेस लग के और बड़े से बड़े प्रदर्शन करती जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में अत्याचार आदिवासियों पर किस तरह से किया जाता है, भाजपा नेताओं के इशारे पर आज खुलेआम एक आदिवासी दलित को बेरहमी से बिल्कुल दिन दहाड़े सबके सामने उठाकर ले जाया जाता है, वीडियो प्रस्तुत होता है घसीट कर उसे, तो लगातार ये किस तरह से अत्याचार किया जाता है। शिवराज सिंह जी, आप इसको करने की गारंटी से जागी है, यदि नहीं जानते तो हमारे आदिवासियों के नेता माननीय विक्रांत भूरिया जी के निर्देश पर हम ईट से ईट बढ़ा देंगे। ये विरोध आगे कहाँ तक जाएगा? ये पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा एक काम नहीं है अत्याचार अकेले आदिवासियों पर नहीं हो रहा, हर वर्ग के साथ शोषण किया जा रहा है, हर वर्ग प्रताड़ित है भाजपा की सरकार की नीति रीतियों से, तो इसके खिलाफ हम लोगों का आगाज संघर्ष का जारी हो चुका है और ये निरंतर जब तक हम 2023 में इस प्रदेश से नाकाम सरकार को निकाल कर नहीं फेंकेंगे, ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके संदर्भ में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर जिला युवक कांग्रेस नरसिंहपुर के द्वारा आज करेली में पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वह निंदनीय है, इस तरीके की घटनाओं का हम प्रजोर विरोध करते हैं। नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा की रिपोर्ट।